अस्सलाम वालेकुम। क्लास फाइव की इस्लामियात में आज हमारा टॉपिक है सुन्नत नबवी की अहमियत। तो प्यारे बच्चों, आप इसकी रीडिंग कर लेंगे। इस चैप्टर की रीडिंग अपने पेरेंट्स को आप ज़रूर सुनाएंगे। तो पहला सवाल है इसकी रीडिंग के बाद, पेज नंबर आप आएंगे 16 पर। पहला सवाल है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 पर ये देखें, इसके सबसे ऊपर आप जाएंगे तो लिखा होगा, सुन्नत के मायने रास्ता और तरीक़ा के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल और अफ़आल को सुन्नत कहते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ इतना है। ठीक, आए जी दोबारा नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज के हवाले से सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहमियत है? तो प्यारे बच्चों, उसका आंसर है दूसरा पैराग्राफ है, अरकान इस्लाम और सुन्नत नबी। तो उसकी सेकंड लाइन में आप निशान लगाएंगे टू वाले क्वेश्चन का। अरकान इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत नमाज की है। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है, मगर कुरान मजीद में नमाज अदा करने का तरीक़ा और उसके औकात की वजाहत मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकम्मल रहनुमाई हासिल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उम्मीद है कि आप खुशहती से इसको अपनी कॉपी पर उतार लेंगे और याद भी कर लेंगे। बहुत इजी हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।